जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना में मंगलवार को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक खनाल विशेष रूप से उपस्थित रहे, जबकि अधिवक्ता मीनाक्षी राणा भी कार्यक्रम में मौजूद रही। जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक खनाल ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने लोक अदालत के लाभ भी महिलाओं को बताए। इसके अलावा मध्यस्थ अधिकारी की भूमिका और कार्य व मध्यस्थता प्रक्रिया के लाभ के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल व निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मध्यस्थ अधिकारी दबाव रहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा करते हैं। इसमें विवाद का अविलंब व शीघ्र समाधान होता है, साथ ही समय व खर्चे की भी किफायत होती है। जागरूकता शिविर में ग्राम पंचायत महिला प्रतिनिधि के अलावा महिला पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहीं। आज देश भर में नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जा रहा है, इस वजह से हम लोगों ने आज महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए अलग अलग विभागों के अधिकारीगण को बुलाया है, ताकि उन्हें महिलाओं के बारे में जो अधिकार है, विभिन्न अधिकार, उसके बारे में उनको ब्रीफ किया जाए, ताकि आगे जाकर वो जब कभी भी अपने स्तर पर उनके कोई किसी पीड़ित महिला उनके पास आती है तो वो उस महिला को DLSC उन्हें तक ला सके, ताकि हम कानूनी सलाह, कानूनी मदद या किसी भी किस्म का जो या कंपनसेशन की बात हो तो कंपनसेशन, ताकि हम आसानी से उसे दे सकें। जी, DLSC ऊना में वैसे तो कई किस्म की, मैंने कहा, मुफ्त कानूनी सलाह दी जाती है, मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है, लेकिन सबसे बढ़िया जो स्कीम है वो है प्री लिटिगेशन क्लिनिक। इस क्लिनिक के माध्यम से झगड़ों को कोर्ट में जाने से पहले ही निपटाने की कोशिश की जाती है मध्यस्थता के माध्यम से। ये सुविधा पारिवारिक झगड़ों के लिए उपलब्ध है। किसी भी परिवार का अगर कोई झगड़ा है, खास तौर पे घरेलू झगड़े, तो सबसे पहले वो DLSC ऊना में आ सकते हैं, कोई अपनी दरखास्त दे दे, उस दरखास्त देने के बेसिस पे दूसरी पार्टी को यहाँ बुलाया जाता है और मध्यस्थता के तरीके से झगड़ा निपटाया जाता है। इसके मुख्यतः चार मेन इसके बिंदु होते हैं। सबसे पहले उनके झगड़े को जाना जाता है कि झगड़ा क्या है, उसके बाद उनके जो बीच में गलतफहमियाँ हुई उसे दूर किया जाता है, और तीसरे चरण में अगर वो दोनों की मर्जी हो तो समझौतानामा बनाया जाता है। हिमाचल दस्तक, वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।